ये ऐसा ही करती है, बीजेपी करती ही यही है, और कुछ काम ही नहीं है इनको। खरबों रुपये खा के तो इनकी पार्टी में आ जाए तो वो पवित्र हो जाता गंगा जल की तरह। लेकिन मेरे को लग रहा है बैड एलिमेंट कम कहीं ना घूम फिर कर सब बीजेपी में आ रहा है, हिंदुस्तान के लिए मतलब राजनीति के लिए पतन का कारण है ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए बीएसपी नेता दानिश अली ने कहा है चाल चरित्र और चेहरा भाजपा का नजर आ रहा है, रमेश भिदुड़ी जैसे लोगों को वही तैयार करते हैं। तो आइए बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ कहना है। जिस तरह से पिछले दिनों में संसद में रमेश भिदुड़ी जो है लगातार चर्चाओं में आए हैं, सामने आए हैं, उसके बाद जो है भाजपा ने उनको राजस्थान के टोंक से चुनाव प्रचार के लिए भेजा है, तो क्या लगता है वाक्य में जो है भाजपा अपने कुछ गिने चुने नेता का पक्ष लेते हैं? आइए बात कर लेते हैं क्या कुछ कहना। दानिश अली की बात की जाए तो क्या उनका कहना सही है भाजपा रमेश भिदुड़ी जैसे लोगों को तैयार कर रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तो गलत है। गलत है, बीजेपी ऐसा काम नहीं करती है। हाँ। किसी ने कुछ बोल दिया हो वो चीज अलग है। हाँ। वो उनका पर्सनल मैटर हो सकता है। अच्छा, पूरे सांसद में बोलना क्या पर्सनल मैटर होता है? नहीं, ये तो पर्सनल मैटर नहीं है, पर गलती से बोल दिया हो ये गलत। हाँ। बात है, पर बीजेपी ऐसा नहीं करेगी। बीजेपी ऐसा नहीं करेगी, क्या कहेंगे काका? ये ऐसा ही करती है बीजेपी, करती ही यही है, और कुछ काम ही नहीं है इनको। भारतीय जनता पार्टी वालों को और कोई काम नहीं है? क्या लगता है जिसने सांसद में अभद्र भाषा का उपयोग किया उसी को राजस्थान के टोंक में भेज दिया गया? कांग्रेसी या होर कोई पार्टी वाला कुछ छोटा सा कलम उठा ले। हाँ। तो एकदम बाहर निकाल देते हैं। अच्छा। इनका आदमी खरबों रुपये खा के तो इनकी पार्टी में आ जाए तो वो पवित्र हो जाता गंगा जल की तरह। पवित्र हो जाता है गंगा जल की तरह। तो जिस तरह से बात कर रहे हैं कि दानिश अली ने जो इल्जाम लगाया कि रमेश भिदुड़ी जैसे लोगों को भाजपा ही तैयार कर रही है, क्या वो सही है? बिल्कुल 100% ये सारे ही निकम्मे और वो इकट्ठे हुए हैं। ये निकम्मे और इकट्ठे हुए हैं, क्या लगता है जो कह रहे हैं निकम्मे इकट्ठे हुए हैं? नहीं नहीं, निकम्मे तो नहीं कह सकते हम लोग। हाँ। पर यह गलत हुआ जो कुछ हुआ। हाँ। पार्टी को डिसीजन लेना चाहिए, तुरंत कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए था बीजेपी को। पार्टी ने डिसीजन लिया ना, राजस्थान के टोंक में भेजा उनको चुनाव प्रचार। मैं बाहरी दिल्ली से उसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ जिसे साउथ दिल्ली कहते हैं, वो गलत है बिल्कुल। वो अपने कार्यकर्ताओं को भी कई बार ऐसे बोल चुके हैं। हाँ। वहाँ के बीजेपी कार्यकर्ता मैक्सिमम लोग परेशान हैं इनसे। अच्छा। हाँ, हम मैं क्षेत्र से हूँ ना, मैरोली से। अच्छा। वहाँ कार्यकर्ताओं को बैड मतलब लैंग्वेज यूज करना, वो भी परेशान होते हैं इनकी भाषा से। अच्छा। अनकंट्रोल है मेरे ख्याल से उनको। अच्छा। पर उन्होंने देखना चाहिए था मैं कहाँ बोल रहा हूँ। हाँ। इससे नंबर बढ़ते नहीं गिरते हैं, छोटा पड़ता है आदमी, समाज में स्वीकार नहीं करता। हमारा गुजरात है जिस समाज से बिलोंग करता है वही नाराज है सारे के सारे। मेरे को लग नहीं रहा कोई भी हिंदुस्तान का गुजर नहीं कहोगे इन्हें अच्छा किया, क्योंकि गांव ग्रामीण का एक गांव में कल्चर है हमारा, इज्जत मान सम्मान छोटे को बड़ा बड़ा रिस्पेक्ट पे करते हैं हम लोग, वो भी एक परंपराओं मेरे ख्याल से उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। हाँ। लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था किसी के प्रति भी। जिस तरह से दानिश अली ने बोला है रमेश भिदुड़ी जैसे लोगों को भाजपा ही तैयार कर रही है, क्या उन्हीं की नहीं कह रहा, मैं तो सबकी कह रहा हूँ। जो भी वहाँ पार्लियामेंट हिंदुस्तान का एक मंदिर है हमारा, यहाँ वो एक ऐसी जगह है जहाँ से आप लोग हम लोग मतलब एक आने वाली जनरेशन के लिए वो देते हैं, वे जैसे कहते हैं आदर्शवाद, फिर लोकतंत्र है सब कुछ है यहाँ, तो बहुत ही आइडियलेशन होना चाहिए। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोकतंत्र का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है? नहीं, ज्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसे लोग आ गए हैं जो शायद नहीं आने चाहिए थे यहाँ। हाँ, नहीं आने चाहिए थे। तो क्या लगता है भाजपा की अगर बात की जाए तो जिस तरह से भाजपा अपने ही जो दोषी है अपने ही पार्टी में उनका साथ देती है, क्या वो सही है? चाल चलन वाली ठीक है उन्होंने, दानिश अली जी ने कहा ना, बिल्कुल ठीक है उन्होंने, बिल्कुल सही कहा। तभी आप है ना देखोगे शांता कुमार को मैंने पढ़ा था पीछे काफी देर, अटल जी जब भाषण देते थे तो बड़े गर्व से कहते थे हमारे एक कार्यकर्ता बेईमान नहीं मिलेगा, मतलब बिस्वियोग की तो जगह ही नहीं थी, अगर कोई एक मिल जाए तो पूरे हिंदुस्तान में। बताइए कितने? मैं उसकी कह रहा हूँ अम्बाला में, एक मैं पढ़ रहा था अम्बाला में, एक बड़ी मीटिंग में बोला था इन्होंने कि हमारे कार्यकर्ता भ्रष्ट नहीं मिलेगा, बदतमीज तो मिल ही नहीं सकता। अच्छा। मतलब जनसंघ के टाइम से मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में बड़े आदर्शवादी लोग होते थे। ठीक है, हमें विचारधारा हमारी अलग थी पर लेकिन रिस्पेक्ट होती थी समाज में। लेकिन मेरे को लग रहा है बैड एलिमेंट कम कहीं ना घूम फिर कर सब बीजेपी में आ रहा है, सब बीजेपी में आ रहे हैं। जिस तरह से गंगा जी नहाने वाली बात हो रही है, जो अभी कह रहे जिस तरह से सर कह रहे थे कि कोई भी कितना भी करप्शन करके भाजपा में आ जाए तो वो क्या होता है गंगा से धुल के गंगा जैसा। भारतीय राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। पार्लियामेंट बड़ा आदर्श रहा हमारे हिंदुस्तान के बड़े, मतलब मैं कह रहा हूँ आजादी से लेकर 30-40-50 साल तक तो ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान के सबसे आदर्श यही है, मान सम्मान, सफेद टोपी, सफेद कपड़े पहनना, खादी पहनना। हाँ। गांधी जी का जो आदर्श है ना वो सारा सारा हमको दिखता था। हाँ। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। अब कहाँ, अब दिख रहा है गांधी जी का वो डेडली होनेस्ट है उसके, सॉरी अगेंस्ट है। हाँ। टोटली उस चीज के अगेंस्ट है हिंदुस्तान के लिए, मतलब राजनीति के लिए पतन का कारण है ये।
पतन का कारण है, क्या लगता है भाजपा जिस तरह से काम कर रही है वाकई में हिंदुस्तान के लिए पतन का कारण? ताना चाहिए ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं। यहाँ तो बड़ा आदर्शवाद है, जनता की बात को सर माथे पर रखना चाहिए और आदर्शवाद पेश करना चाहिए, कोई क्यों ना हो। कहने में करने में बड़ा फर्क होता है, कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है। तो जिस तरह से मोदी बात करते हैं, मेरे अभी तो परिवारजनों कहते हैं, पहले भाई और बहनों कहते थे, परिवारजनों कहते हैं, क्या परिवारजन कह देने से भारत का जो उद्धार है? हिंदी यूज करने से ऐसा कुछ नहीं होता कि हिंदी यूज करने लगो या पारिवारिक भाषा यूज करने लगो। हर जगह जगह तो लगता है जैसे वंदना नाम, अरे वैसे भी नारी के नाम से पहले भी होते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक हिंदू शब्द, हिंदी कोई अच्छा सा शब्द ढूंढ लोगे और उसमें तुम हिंदुस्तान की राजनीति कर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आदर्श होता है, अंदर भाव से निकलते हैं, अंदर भाव से। आप, मैं इसकी इज्जत करूंगा तो मेरे को कहने की जरूरत नहीं है कि मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। आंखों के भाव होते हैं जिससे पता लगता है कि सचमुच हम ऑनेस्ट हैं। ऑनेस्ट आदमी को बताने की जरूरत नहीं होती है, हम ऑनेस्ट हैं। जिस तरह से बात की गई कि भाजपा में अगर बात की जाए पहले के वक्त की, तो बोला जाता था भाजपा में एक भी भ्रष्टाचारी नेता नहीं है। आजकल के टाइम में देखा जाए तो सारे के सारे जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, अगर वो भाजपा में आ जाए तो कहीं ना कहीं बोला जाता है कि गंगा जैसे पवित्र हो गए भाजपा में आते ही। इस तरह का कुछ कहना है यहाँ के लोगों का, आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सचिन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।